Hello friends, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu. This is Ramesh and today is the fifth session of a series Personalities for UPSC, which is relevant both for your prelims as well as the mains. And the personality which we are going to discuss today is a social reformer, a thinker and a great contributor in the nation building, especially towards the society. So let's see what was his contribution in the society and what was his contribution in shaping the society and towards empowerment of the women. So first introduction, he was born in 11th April 1827, his place of birth Satara, Maharashtra. His parents name was Govindrao Phule Chimnabai, spouse Savitri Phule, children Yashwant Rao Phule, who was an adopted son, educated from Scottish Mission High School, Pune, associations Satya Sodak Samaj. This is very important. This organization is very important, especially from prelims point of view. Publications, Tritya Ratna, Powada and Sit Krayach Asood. These were the publications, these were the books written by him. He passed away at the age of 28th November 1890 at the age of 63 years. So this was just an introduction of his life. So what was his real contribution at that point in time? We'll see to it minutely. So first start off with his early life, his childhood life. Jyotirao Phule was born in Satara district of Maharashtra in 1827. Satara Jila pe, Maharashtra ke ek Satara Jila pe. Jyotirao's family, he belonged to a Mali caste, ek Mali family se belong karte hai, jinka original title hai Godhe. गॉड है मत जो फुले टाइटल है ये फुले टाइटल उनको एक टाइटल दिया गया था. दिस वाज नॉट हिज रियल टाइटल. ज्योतिराज फादर एंड अंकल सर्व्ड एज फ्लोरिस्ट सो द फैमिली केम टू बी नोन एज फुले. वो फूल बेचा करते थे या फूल गार्डनिंग करते थे तो जिसकी वजह से उनको एक टाइटल मिल गया फुले. फुले वॉज नॉट हिज रियल टाइटल. प्लीज रिमेंबर दिस दिस स्टेटमेंट्स. दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. वो पूछ लेते हैं ऐसे कि वो सर टाइटल दिया गया था या उनका टाइटल था. नेक्स्ट, ज्योतिराव वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय बट ड्यू टू द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन एट होम ही हैड टू स्टॉप हिज स्टडीज एट एन अर्ली एज. जैसे कि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, देवर फाइनेंशियली वेरी बैकवर्ड, तो ज्यादा पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए और उन्हें पढ़ाई छोड़नी ही पड़ी बहुत कम एज में. लेकिन बाद पे इन 1841 ज्योतिरा गॉट एडमिशन इन स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल पूना एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन इन 1847. एक्चुअली जब वो बीच में एजुकेशन छोड़ देते हैं, एजुकेशन छोड़ने के बाद कुछ उनके आस पड़ोस के लोग, उनके ज्योतिराव फुले के पिता या उनके घर के आसपास के रहने वाले लोग, वो बताते हैं कि ये बहुत ही होनहार बच्चा है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो आप इसकी पढ़ाई कराएं. एट दिस एज ही इज वेरी मच इंटेलिजेंट, अगर ये पढ़ेगा तो आगे कुछ कर लेगा. तो इंस्पायर्ड बाय दिस हिज फादर अगेन मेड टुक हिम टू स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल और उनकी एडमिशन वहां पर करवा देते हैं पुणे पे. और 1847 में उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है और वहां पे देयर ही मेड सदाशिव बल्लभ गोवंद अ ब्राह्मिन हु रिमेन्ड हिज क्लोज फ्रेंड थ्रू आउट हिज लाइफ. एक ब्राह्मिन उनकी फ्रेंड बन, उनका फ्रेंड बन सदाशिव बल्लभ गोवंद है, ही बिकम हिज फ्रेंड और ही इज अ ब्राह्मिन. और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो माली होते हैं, ज्योतिराव फुले एक माली होते हैं और माली एक शूद्र कास्ट है, एक लोअर कास्ट है. हिंदुइज्म में, कास्ट सिस्टम में, वो एक लोअर स्ट्रैटम पे से, उनको लोअर स्ट्रैटम से बिलोंग करते हैं वो. और उनकी एक फ्रेंडशिप, उनका एक फ्रेंडशिप फ्रेंड ब्राह्मिन बनते हैं जो उनके स्कूल पे, वो एंड पे भी हम देखेंगे कि ये फ्रेंड उनके साथ ही रहेंगे. एट द एज ऑफ जस्ट 13 इयर्स ज्योतिराव वाज मैरिड टू सावित्री बाई. बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी होती है एट दैट पॉइंट इन टाइम, एट द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, या यस सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉरी. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें होती हैं दैट वॉज वेरी मच अनजस्ट, especially the women. उनके साथ बहुत सारी चीजें injustice होती हैं, जैसे child marriages, widows. तो उस time period पे marriage at an early age was a common theme. बहुत आराम से
चाइल्ड मैरिजेस बहुत आराम से एक सोशल नॉर्म बन चुका था, जो जिसे करने में लोग हिचकिचाते नहीं थे और आराम से कर देते थे। तो उस टाइम पीरियड पे जब शादी होती है इनकी, इनकी उम्र 13 साल होती है और सावित्री बाई जो इनकी स्पाउस हैं उनकी उम्र 9 साल होती है। हिज सोशल मूवमेंट्स, व्हाट वाज हिज सोशल मूवमेंट, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, एज आई टोल्ड यू ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर। In 1848, an incident sparked off Jyotiba's quest against the social injustice of caste discrimination, and incited a social revolution in the Indian society. एक incident होता है उनके साथ कि वो एक अपने friend के शादी पे जाते हैं। He goes to that marriage, and the relative of that bridegroom, वो उनके साथ बहुत inhuman treatment करते हैं, और वो बोलते हैं कि ये छोटे छोटे जात के लोग हैं, ये यहां पे क्या कर रहे हैं हमारी शादी में, एक ब्राह्मण फैमिली के शादी में, हाउ ही हैज एंटर्ड इनटू आवर मैरिज, कौन बुलाता है इसे। और उन्हें बहुत ही ज्यादा देखा, बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया जाता है वहां पे। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इन टाइम दिस इंसिडेंट क्रिएटेड अ स्पार्क इन हिज माइंड कि अब तो मैं इस चीज के खिलाफ लड़ूंगा। हाउ कैन अ मैन ट्रीट अनदर मैन लाइक दिस, दिस इज टोटली इनह्यूमन। और यहां से वो एक प्रण लेते हैं कि मैं अब सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करूंगा, ये जातिवाद के अगेंस्ट में काम करूंगा। और फिर यहां से उनकी सारी सोशल रिफॉर्म्स की चीजें स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर रीडिंग थॉमस पेन्स फेमस बुक द राइट्स ऑफ मैन, ज्योतिराव वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज आइडियाज। ही बिलीव दैट एनलाइटमेंट ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल वॉज द ओनली सोल्यूशन टू कम्बैट द सोशल इवल्स। थॉमस पेन्स फेमस बुक, थॉमस पेन्स एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है यूके के। ही वॉज बॉर्न इन यूके बट रेज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। और उसकी इस किताब को पढ़ने के बाद ही इज हाईली मोटिवेटेड, ही इज हाईली मूव्ड, ही इज इंस्पायर्ड। और उसके बाद उन्हें यह पता चलता है कि इन सब चीजों से लड़ने का एक ही तरीका है। तो इनका लड़ने का तरीका यह है कि जस्ट एनलाइटन द वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल, कि उनकी तरक्की के लिए काम करो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें समाज में Enlighten them. Efforts towards women education. Women education के लिए उन्होंने क्या काम किया है? He contributed immensely towards the development, towards the educational development of women and towards the empowerment of women. बहुत ही कमाल का काम किया है इस फील्ड में इन्होंने, बहुत ही कमाल का। Let's see. Jyotiba's quest for providing women and girls with right to education was supported by his wife Savitri Phule. जैसे कि मैंने आपको कहा, she was married at an early age, जब इनकी सावित्री फुले की उम्र सिर्फ 9 साल होती हैं, और ज्योतिराव फुले उनका उम्र 13 साल होता है जब उनकी शादी होती है। तो शादी के बाद ज्योतिराव फुले सावित्री फुले को बोलती हैं कि आप पढ़ें। पहले अपनी वाइफ को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि स्कूल खोलते हैं और सावित्री फुले के बोलते हैं कि यहां पर जितने भी बच्चे आ रहे हैं आप इसे पढ़ाएं। वो पहला स्कूल जो खोलते हैं वो सावित्री स्कूल, सावित्री फुले को वहां पे टीचर बनाया जाता है कि आप टीचर, यहां पे टीचिंग आप ही करेंगे इन स्कूलों में। इन 1851 ज्योतिबा एस्टैब्लिश्ड अ गर्ल्स स्कूल एंड आस्क हिज वाइफ टू टीच द गर्ल्स इन द स्कूल। ज्योतिबा फुले पहले जो स्कूल को गर्ल्स स्कूल बनाते हैं, और वहां पर ही आस्क हिज वाइफ सावित्री फुले टू टीच दोज गर्ल्स। लेटर ही ओपन टू मोर स्कूल्स फॉर द गर्ल्स एंड एन इंडिजिनस स्कूल फॉर लोअर कास्ट स्पेशली फॉर द मेहर्स एंड मंक्स। उस टाइम पीरियड पे ऐसा होता था कि छोटे जाति के लोग होते थे, जो लोअर कास्ट पीपल, उनको स्कूल में इक्वल स्कूल तो वो जाते थे, लेकिन उनके साथ वो ट्रीटमेंट होती है दैट वॉज हाईली अनइक्वल। वो ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होती थी, साथ में बैठना नहीं है, इधर जाना नहीं है, जहाँ पे अलग लोग जा रहे हैं वहाँ पे वो जा नहीं सकते, वहाँ का पानी नहीं पी सकते, वहाँ खाना नहीं खा सकते। दिस टाइप ऑफ इनह्यूमन ट्रीटमेंट वॉज मेटेड आउट टू दोज लोअर कास्ट पीपल। तो ये सब चीज़ इनको पता चला, तो इनके लिए भी, स्पेशली इनके लिए अलग से एक स्कूल खोल दिया, मेहर्स और मंक्स, ये सारे लोअर कास्ट पीपल हैं। और एज आई टोल्ड यू, गर्ल्स एजुकेशन फॉर वीमेंस एजुकेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन एंड टू एनलाइटन दम ही कंट्रीब्यूटेड इमेंसली। Jyotiba realized the pathetic condition of widows and established an ashram for young widows and eventually became advocate of the idea of widow remarriage. Actually, ऐसा होता है कि
जैसे कि मैंने आपको कहा, चाइल्ड मैरिज वॉज वेरी मच प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट पॉइंट इन टाइम. तो व्हेन अ गर्ल इज मैरिड एट एन अर्ली एज टू अ मैन हु इज वेरी मच ओल्डर देन हिम, ओल्डर देन हर, तो ऐसा होता था कि बहुत कम उम्र में बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती थी कि वो जब तक वो जवान होती हैं, एक स्टेज पे आती हैं जब वो जवान होती हैं, when she attains her puberty, उस टाइम ही वो विधवा हो जाती हैं. तो ये सारी चीजें ज्योतिबा फुले जब देखते हैं, वो ये सारी चीजें उन्हें सही नहीं लगती. ही इज वेरी मच saddened by these kind of social norms and prejudices towards the girl, towards these girls who turn out to become widows at an early age. तो उनके लिए उन्होंने एक आश्रम खोला, और ये एक पहले इंसान है हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में जिन्होंने एक ऐसा विडो के लिए आश्रम खोली एंड इवेंचुअली बिकेम एडवोकेट ऑफ द आइडिया ऑफ विडो रिमैरिज. और उसके बाद ही यूज्ड टू प्रैक्टिस, ही यूज्ड टू प्रोपगेट, ही यूज्ड टू प्रीच द पीपल, ही यूज्ड टू ट्राई टू कन्वर्ट द माइंड्स ऑफ द पीपल टू गो फॉर विडो रिमैरिजेस, बिकॉज दीज गर्ल्स सी दे आर टर्निंग आउट टू बिकम विडोज एट अ वेरी अर्ली एज. 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की एज में विडोज बन जा रही हैं, और उसके बाद उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है उनकी, लेकिन वो पूरी जिंदगी इस तरह से एक विडो बनकर कैसे काटे. तो इसके खिलाफ वो एक मुहिम चलाया उन्होंने, और इस आश्रम के लड़कियों की विडो रिमैरिज भी स्टार्ट की. एफर्ट्स टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन. फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज अ कॉमन ऑकरेंस एंड सो वॉज चाइल्ड मैरिज विथ चिल्ड्रन समटाइम्स बींग मैरिड टू मैन मच ओल्डर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बहुत कम उम्र में. ज्योतिबा वॉज पेन्ड बाय देयर प्लाइट एंड एस्टैब्लिश एन ऑर्फनेज इन 1854 टू सेल्टर दिस अनफॉर्चुनेट सोल्स फ्रॉम पेरिशिंग एट द सोसाइटीज क्रूअल हैंड्स. ऑर्फनेज भी खोलते हैं उनके लिए 1854 में, टू सेल्टर दिस अनफॉर्चुनेट सोल्स फ्रॉम पेरिशिंग एट द सोसाइटीज क्रूअल हैंड्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. एफर्ट्स टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसके वजह से ही वॉज डीपली सैडेंड कि एक इंसिडेंट जो उनके साथ होता है, उसके बाद वो प्रण लेते हैं कि मुझे ये चीजें करना है, मुझे ये चीजें बदलनी है. टुवर्ड्स द प्रेजुडिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम, टुवर्ड्स द सप्रेशन, टुवर्ड्स द सब्जुगेशन ऑफ द लोअर कास्ट पीपल. ज्योति राव अटैक द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड अदर कास्ट एंड टर्म देम एज हिपोक्रेट्स. He campaigned against the authoritarianism of upper caste people and urged the peasants and proletariats to defy the restrictions imposed on them. उनको बोलते थे कि ये सब सारी चीजें बेकार हैं, गलत हैं, आप इनकी बातों पे ना आए. और वो जो peasants, proletariat मतलब working class जो लोग होते थे, जो किसान होते थे, जो और भी छोटे जाति के लोग होते थे, उनके बोलते थे कि ये these disabilities imposed on you, these are not commendable. Why you people are accepting this? Fight against it. Don't accept it. आप एक्सेप्ट ना करें इसे, ये चीजें गलत हैं. ही ओपन्ड हिज होम टू पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड बैकग्राउंड्स. ही प्रीच्ड इक्वालिटी. मेनली यहां पे ये है कि ही प्रीच्ड इक्वालिटी, ही वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ही वांटेड टू रिमूव ऑल दीज कास्ट प्रेजुडिसेस फ्रॉम द सोसाइटी. ही वॉज अ बिलीवर इन जेंडर इक्वालिटी एंड ही एग्जेम्प्लीफाइड हिज बिलीव्स बाय इन्वॉल्विंग हिज वाइफ इन ऑल हिज सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज. बहुत सारी चीजें वो करते थे, जैसे कि हमने देखा, फॉर द कास्ट सिस्टम, फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, फॉर देयर एजुकेशन. और हर जगह इन्होंने अपने वाइफ को इन्वॉल्व किया है. और एक्चुअली सावित्री बाई फूले की भी कंट्रीब्यूशन इमेंस है ज्योतिबा फूले की लाइफ में, क्योंकि जो भी काम वो लेते थे, जो भी चीज उन्हें करना है, उस काम पे सावित्री बाई फूले ने उनका 100% साथ दिया है. उसे खुद पढ़ाया, वो पढ़ी लिखी हो गई तो उसने अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और समाज को चेंज करने की, मेंटालिटी को चेंज करने के लिए एक मुहिम चलाई. और सावित्री फुले ने कमाल की कंट्रीब्यूशन की है टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ वुमेन. ही बिलीव दैट रिलीजियस आइकन्स लाइक राम आर इंप्लीमेंटेड बाय ब्राह्मण एज अ मीन्स ऑफ सब्जुगेटिंग द लोअर कास्ट. उनका यह मानना था कि ये जो ब्राह्मण्स बोलते हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं, वो हमारे ऊपर डिसेबिलिटीज इंपोज करते हैं, ये जो भी कानून बनाते हैं, दीज आर जस्ट टू सब्जुकेट द लोअर कास्ट पीपल, हमें सप्रेस करने के लिए, लोअर कास्ट पीपल को सप्रेस करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं और अपने फायदे के लिए बनाई हैं. और वो अब खुद अपने ऊंचे तबके में बैठे हैं और हमें नीचे दबा दिया है, और हमें और सप्रेस भी किया जा रहा है. तो ये सिर्फ इन्होंने अपने फायदे के लिए किया है. द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ब्लेम्ड
him for vitiating the norms and regulations of the society and accused him of acting on behalf of the Christian missionaries. Actually, बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने करी, जैसे कि women's education, जो पहले नहीं होता था, child marriage बंद कर उनके खिलाफ बातें करते थे, widow remarriages करवाते थे इनके लिए, orphanage खोले उनके लिए काम करते थे, lower caste people जो थे उनके लिए, उनकी upliftment के लिए बात करते थे. तो ये जो ब्राह्मण्स थे उस टाइम पे, उन्हें ये लगता था कि ये हमारे ट्रेडिशन जो हैं, हमारे जो धर्म है, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे जो कन्वेंशन हैं, ये उसके खिलाफ काम कर रहा है, ये अधर्मी हो गया है, हमारे धर्म के खिलाफ काम करता है, ये एक्चुअली में ये क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रोपागंडा चला रहा है, ये क्रिश्चियन मिशनरी को सपोर्ट करता है. इस तरह के कमेंट्स उस टाइम पे ब्राह्मण्स कर रहे थे इनके खिलाफ. सत्यशोधक समाज, एक्चुअली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ भी चुकी है और पूछती आगे भी पूछ सकती है. एज यू नो, यूपीएससी इज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेसिडेंटेड टू, कुछ भी कर पूछ सकते हैं वो. लेकिन सत्यशोधक समाज को अपने ध्यान पे रखना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. आपने देखा कि हाउ ज्योतिबा फुले इज कंट्रीब्यूटिंग इमेंसली टुवर्ड्स द लोअर कास्ट, टुवर्ड्स द कास्ट प्रेजुडिसेस एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन. तो ये जो समाज उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने स्टार्ट किया जहां से ये प्रेजुडिसेस को, कास्ट सिस्टम के प्रेजुडिसेस को जो उस टाइम पे हमारे समाज पे पनप रही थी, उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए, उसके खिलाफ लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट करी. सत्यशोधक समाज मीन सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ. ज्योतिराव वेहमेंटली कंडेम द वेद्स, द एंशिएंट होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द हिंदूज. वो जितने भी स्क्रिप्चर्स थे, जो भी टेक्स्ट है उस टाइम पे हिंदूज के, वेद्स हैं, जो वेद्स, एंशिएंट होली स्क्रिप्चर्स, वेद है, महाभारत, रामायण, पुराणास, इनके खिलाफ थे. उनका ये एक्चुअली वो और भी बहुत उस टाइम पीरियड के बहुत सारे और भी किताबें इन्होंने पढ़ी थी, और उन्होंने पढ़ने के बाद उन्होंने ये कहा था कि ये वो चीज़ है ही नहीं, ये सारी चीज़ें ये ब्राह्मण्स ने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए इन चीज़ों को मैनिपुलेट किया है, मोल्ड किया है. दिस इज़ नॉट द रियल ट्रुथ, दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग दिस एंड दे आर जस्ट डाइवर्टिंग द पीपल ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन. और अपने आप को सुपीरियर बना के इन लोगों ने, दे हैव एस्टैब्लिश्ड इन द अपर स्ट्रैटम ऑफ द सोसाइटी या अपर स्ट्रैटम ऑफ द हेल्प, ये उनका मानना था. द पर्पज ऑफ सत्यशोधक समाज वॉज डिकंटामिनेट द सोसाइटी फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड लिबरेट द अप्रेस्ड लोअर कास्ट पीपल फ्रॉम स्टिग्मा इन्फ्लेक्टेड बाई द ब्राह्मिन्स. नेक्स्ट, ज्योतिराव फुले वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म दलित टू अप्लाई टू ऑल पीपल कंसिडर्ड लोअर कास्ट एंड अनटचेबल्स बाई द ब्राह्मिन्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये दलित टर्म है जो ये कुछ दिन पहले भी पार्लियामेंट में बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं इनके ऊपर कि दलित टर्म, इसको दलित बोला जाए या ना बोला जाए या क्यों बोलते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये ध्यान पर रहे कि ये जो दलित टर्म है, दिस वॉज कॉइंड बाई ज्योतिराव फुले, और ये दलित मीन्स ये एक एग्रीगेट टर्म है विच सिग्निफाइज द लोअर कास्ट पीपल, सारे जितने हैं. मेंबरशिप टू द समाज वॉज ओपन टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्लास. सारे मेंबर्स के लिए ओपन था ये, आप कौन से कास्ट से हो, क्लास से हो, कौन से धर्म से हो, कोई मतलब नहीं था इनका. इट वॉज ओपन टू ऑल. ही वॉज अ ग्रेट प्रीचर ऑफ इक्वालिटी. ये समाज में एकता चाहते थे. तो जो इसकी मेंबरशिप जो थी सत्यशोधक समाज की, ये ओपन टू ऑल था. यहाँ पे इनफैक्ट ज्यूज ने भी, कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी बताते हैं कि ज्यूज जो होते थे उन लोगों ने भी आके मेंबरशिप ली थी सत्यशोधक समाज में. In 1868, Jyoti Rao decided to construct a common bathing tank outside his house to exhibit his embracing attitude towards all human beings and wished to dine with everyone regardless of their caste. Actually, उस time पे ऐसा एक चीजें होती थी कि जहाँ पे एक ये पोखर है, ये तालाब है, ये पॉन्ड है, तो यहाँ पे छोटे जात के लोग नहीं आ सकते, यहाँ पे शूद्र नहीं आ सकते, यहाँ पे ये अनटचेबल्स यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ बैठ नहीं सकते, या उनके साथ खाना नहीं खा सकते. ये सारी चीज़ें, ये these prejudices was eating the society of India, was depleting the bonhomie in the society of India. जो एक फैब्रिक था उसे खा रहे थे ये सारे prejudices. तो उन इन सब चीज़ों को लोगों के दिमाग में, इन सब चीज़ों को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए उन्होंने एक चीज़ें स्टार्ट की, एक टैंक स्टार्ट किया अपने घर के पास जहाँ पे सब साथ में नहा रहे हैं. जैसे कि उस टाइम मना था शूद्र को कि आप यहाँ नहीं नहा सकते जहाँ पे ऊंचे कास्ट के लोग नहा रहे हैं. तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक टैंक खोला, वहाँ पे सब नहा रहे, आ रहे, जा रहे, साथ में खाना खा रहे हैं.
तो दीज ये सारे समाज में ये जो चीज़ें थी, ये जो गंदगी थी, एक तरह से ये गंदगी है जो समाज की, इन सारे चीज़ों के खिलाफ ये सारे एक्टिविटीज इन्होंने स्टार्ट करी। दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज ऑल्सो अ बिजनेसमैन, ही वॉज ऑल्सो अ कल्टिवेटर एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एक्चुअली ये दिमाग में सब किसी की ये बात आती है कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, एक माली फैमिली से बिलोंग करते थे, पैसे के कारण, आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई बंद हो गई थी, लेकिन बाद में फिर वो कैसे इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, ऑर्फनेज खोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि रिफॉर्म इन सब के अलावा वो एक बिजनेसमैन भी थे। देखिए, ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज ऑल्सो अ कल्टिवेटर एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिया करते थे उस टाइम कॉरपोरेशन से, वो तो इनकी इनकम अच्छी खासी उस टाइम होती थी। एंड ही अपने सारे इनकम जो भी उनके हो रहे हैं, ही इज स्पेंडिंग दैट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स विद इन द सोसाइटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। ही सर्व्ड एज अ कमिश्नर ऑफ पुणे म्यूनसिपैलिटी बिटवीन 1876 एंड 1883। कमिश्नर भी रहे हैं म्यूनसिपैलिटी के उस टाइम पीरियड पे। तो मतलब ही वॉज एन एस्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटी एंड ही established a podium or a platform for himself from where he can deliver towards the reform in the society. Jyotiba suffered a stroke in 1888 and was rendered paralyzed on 28 November 1890. The great social reformer Mahatma Gandhi, Mahatma Jyotirao Phule passed away. 88 में उनको स्ट्रोक आता है जिसके कारण उसको पैरालिसिस हो जाती है और 1890s में उनकी डेथ हो जाती है। और जब वो डेथ उनकी होती है, एट दैट पॉइंट इन टाइम ही इज ऑफ 63 इयर्स ऑफ एज। अब बाय और उनके डेथ के बाद क्या क्या चीजें हैं आप ये देखिए। इन ऑर्डर टू कमेमोरेट दिस पर्सनैलिटी बहुत सारी चीजें स्टार्ट की गई हैं। और एक चीज है, द फेमस पर्सनैलिटीज इन इंडिया लाइक डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, ऑल दीज पीपल वर डीपली इंस्पायर्ड by the reform movements of Jyotirao Phule, by deeply inspired by the legacy of Jyotirao Phule. तो इनकी legacy इतनी बड़ी थी कि अंबेडकर और गांधी जैसे लोग भी उनसे inspire हो चुके थे। A biography of Jyotiba was penned by Dhananjay Kir in 1974, titled Mahatma Jyotiba Phule, Father of our Social Revolution. इनकी एक biography बनाई गई धनंजय कीर के द्वारा। The Mahatma Phule Museum in Pune was set up in honor of the great reformer. Actually, in order to commemorate this personality, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं और ये होती हैं, हमने भी देखा है। म्यूजियम बनाई गई, उनके नाम से योजनाएं चलाई गई हैं, उनके नाम से सड़कें हैं, उनके नाम से स्कूलें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं महाराष्ट्र में। आप ये भी देख सकते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना, विच इज़ अ कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर पुअर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन ऑर्डर टू कमेमोरेट हिज कंट्रीब्यूशन इन द नेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये था आज हमारा पर्सनैलिटी, दैट इज ज्योतिराव फुले। एंड दिस पर्सनैलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दी फॉर यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, स्पेशली द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और कुछ स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि कॉइन द टर्म दलित्स, सत्यशोधक समाज, ये सारी चीज़ों पर आप थोड़ा फोकस करें, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Stay tuned for more updates and please do not forget to share, subscribe or like, and do not forget to press the bell icon. Thank you.